मुरादाबाद में बढ़ते तापमान से बिजली विभाग की बढ़ रही है समस्याएं। तापमान के कारण हीट हो रहे बड़े ट्रांसफार्मर। बिजली विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर को हीट होने से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास। बड़े ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाए जा रहे हैं कूलर और पंखे। गर्मी में लोगों को समस्याएं ना हो इसलिए किए जा रहे हैं प्रयास। मुरादाबाद के कुंदरकी उपखंड पर लगाए गए हैं कूलर और पंखे। जी, आप देख रहे होंगे इस समय हर जगह टेम्परेचर जो है वो लगभग 46-47 पार कर रहा है, जिससे डोमेस्टिक में डिमांड सप्लाई की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से हमारे पावर ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ा हुआ है। लोड बढ़ने के कारण अंदर की भी हीट को कंट्रोल करने के लिए और बाहर का टेम्परेचर भी क्योंकि नॉर्मल नहीं हो रहा है, 46-47 जा रहा है, तो जिस वजह से पावर ट्रांसफार्मर कूल नहीं ठंडा नहीं हो पा रहा है, तो जिस वजह से हमें बाहर से भी कूलिंग की व्यवस्था करते हुए पंखे एग्जॉस्ट या कूलर की मदद से पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में मदद लेनी पड़ रही है। ये टेम्परेचर की वजह है या फिर ओवरलोड की कारण? ये दोनों कारण है, क्योंकि बाहर का भी टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 46-47 अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, और जिस वजह से डोमेस्टिक की डिमांड भी क्या कहते हैं जो नॉर्मल लोड डिमांड होती है उससे काफी ज्यादा बढ़ी हुई है वर्तमान के टाइम पे। पानी भी डाला जा रहा है ट्रांसफार्मर, पानी अगर कोई भी पावर ट्रांसफार्मर काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, हीटअप हो चुका है बाहर के टेम्परेचर और ओवरलोड के कारण भी, तो उसको थोड़ी देर बंद करके पानी से उसके रेडिएटर्स जो होते हैं उसको ठंडा करने की जरूरत पड़ती है, तो ठंडा करके जिससे पावर ट्रांसफार्मर को कोई क्षति ना हो सप्लाई निर्बाध रूप से आप लोगों को मिलती रहे।